देखो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर प्रॉफिट यानी बगैर प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बगैर प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरी बिजनेस इज स्टार्टेड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। जितने भी बिजनेस होते हैं वो क्यों स्टार्ट किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सारे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाए जाते हैं ना। सारे बिजनेस क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे भी बिजनेस हैं जो प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहता हो? तो जी है, यानी कि कुछ ऐसे बिजनेस है जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि समाज की भलाई करनी होती है, सोशल वेलफेयर करना होता है। तो वो सारे बिजनेस जिसका उद्देश्य बिजनेस से लाभ न कमाकर समाज की भलाई करना हो, समाज कल्याण हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो क्या होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रिपेयर टू या लिखेंगे विच इज स्टैब्लिश्ड नॉट फॉर द अर्निंग प्रॉफिट बट सोशल वेलफेयर। क्या बोला जा रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि जिसे हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, चैरिटी क्लब, ट्रस्ट, एनजीओ, चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल, ओके, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनका उद्देश्य व्यापार से लाभ नहीं बल्कि समाज की भलाई करना होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब सवाल ये है कि सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए तैयार करते हैं। ओके, तो जब हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, इसमें तो हमें जब प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है तो हम लोग अकाउंट्स बना क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फॉर टू नो द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, है ना, और ये प्रॉफिट और लॉस के लिए तो किया ही नहीं जा रहा है, ये तो सोशल वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। तो क्यों, क्या रीज़न है कि हम लोग जो है इसके अंदर में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, क्या आखिर कारण है कि हम लोग जो इसके अंदर में अकाउंट्स के अंदर में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? तो देखो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगी, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो और सोशल वेलफेयर के लिए तो चाहिए होगा हमें पैसे। तो अलग अलग सोर्सेस होते हैं जहाँ से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को इनकम होता है, अलग अलग सोर्सेस होते हैं जहाँ से इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को इनकम होता है, लाइक
सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स, इस तरीके से अलग अलग तरीके से इनकम होता है और इन अलग अलग तरीके से हुए इनकम को अलग अलग चीज़ों पे खर्च करना होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं और कहाँ कितने खर्च हो रहे हैं, ये बात का पता हमें कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए चाहिए होगा कि हमारे पास एक क्या हो, एक ऐसा अकाउंट हो, एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग तैयार करें जिसमें इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जितने भी रिसिप्ट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर, पेमेंट्स, ये सारी चीज़ हमें पता चल पाए। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलिए, तो इसी पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सो देयर आर फॉलोइंग अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये सारे अकाउंट और स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टेटमेंट तैयार करते हैं या अकाउंट, उसका नाम है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या नाम है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड है इनकम एंड एक्सपेंड। ओके, क्लियर है? तो ये तो हम लोग समझ चुके कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या होता है। ठीक है, समझ चुके क्या? नहीं, अभी तो हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही को समझे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वन वन बाई वन करके पढ़ेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के। क्या है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? सो रिसिप्ट्स एंड payment account is the account which is prepared to know all the cash receipts, cash receipts and cash payment of the business, which is prepared to know all the cash receipts and cash payment of the organization. Business नहीं बोलेंगे यहाँ पे, organization हम लोग word use करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बिजनेस में जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं और जितने भी कैश पेमेंट होते हैं, उन सारे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को दिखाने के लिए हमें जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, ये कैश बुक की तरह होता है। कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं और कैश पेड होते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी है, जितने भी कैश रिसिप्ट हैं और कैश पेमेंट है उसको हम लोग इस पर दिखाएंगे। ओके, ये हमारा हो गया। अब है कि एक चीज़ और है, इट इज़ ए रियल अकाउंट। ये क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछ देता है कभी कभी कि व्हाट इज़
द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप याद रखिएगा, इट इज़ अ रियल अकाउंट। अब है कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कैसे किया जाता है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च और जो भी डेट होगा ये हम लोग लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स। ओके, रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, क्रेडिट। ओके, क्या है रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। जितने भी रिसिप्ट्स है और पेमेंट है उन सब को इसके अंदर में दिखाते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए कि हमारे पास रिसिप्ट्स कितना है और पेमेंट कितना हो रहा है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसके अंदर क्या दिखाएंगे। तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बी बाय डी। देखो ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम किसे कहते हैं, एसेट्स के अकाउंट को, यानी कि ये मेनली किसके लिए बनाया जा रहा है, कैश के लिए बनाया जा रहा है। तो कैश के लिए बनाया जा रहा है और कैश हमारा है एसेट्स, और एसेट्स के अकाउंट को हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। ओके, सो रियल अकाउंट कहते हैं। तो एक बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई ऐसा अकाउंट जो कि एसेट्स का है तो उसके ओपनिंग बैलेंस को हमेशा डेबिट बैलेंस में दिखाते हैं। जैसे स्टॉक का अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बैलेंस बी बाय डी डेबिट में दिखाएंगे, कैश का बना रहे हैं तो बैलेंस बी बाय डी डेबिट में दिखाएंगे, एस फर्नीचर एस डेब्टर्स किसी का भी दिखा रहे थे इसमें। और जब भी किसी हम लोग लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को दिखाते हैं तो उसके ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जैसे आपका क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, उन सब के ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ रिसिप्ट्स आएंगे। मान लो कि हमारे पास 10 लाख का रिसिप्ट हुआ तो 10 लाख ही तो खर्च नहीं कर देंगे ना। हो सकता है कि 10 लाख में से हमने 8 लाख रुपए खर्च कर दिया और 2 लाख हमारा बच गया। तो 10 लाख में से 2 लाख हमने 8 लाख खर्च कर दिया, 2 लाख बच गया, तो नेक्स्ट ईयर वो 2 लाख काम आएगा ना। तो पिछले साल का जो बचा हुआ पैसा है यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, टू बैलेंस बाय, यहाँ पर टू बैलेंस बी बाय डी। ओके, अब हमने ये दिखा दिया, अब है क्या दिखाएंगे। तो चूंकि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है और डेबिट साइड में हमें रिसिप्ट दिखाना है तो हम लोग सारे रिसिप्ट को दिखा देंगे। यहाँ पे जितने भी रिसिप्ट जहाँ कहीं से भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ कैश उसको यहाँ दिखा देना है, टू ऑल कैश रिसिप्ट, जितने भी कैश रिसिप्ट है सबको दिखा दो, वेदर दे आर रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है कि वह सारे इन रिसिप्ट जो बार बार होते हैं या उस सारे के सारे एक्सपेंसेस जो बार बार होते हैं, जैसे सैलरी बार बार पे करते हैं, रेंट बार बार पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार पे करते हैं, उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का। एंड All payments, sorry, revenue nature or and capital nature, or capital nature, जितने भी whether they are related to revenue nature or capital nature, capital nature का वे सारे receipts जो बार बार नहीं होते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने पुराने मशीन को बेच दिया तो हमें रिसिप्ट हुआ ना, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि हम लोग बार बार पुराने मशीन को बेचेंगे, नहीं ना, तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, उसको दिखाएंगे। एंड वेदर दे आर
रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये भी हमें मतलब नहीं है, हम लोग जो भी रिसिप्ट होगा रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो प्रीवियस ईयर का है कि करेंट ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है। कभी कभी हो, बस पैसे रिसिप्ट हो रहे हैं दिखा देंगे, चाहे वो करें प्रीवियस ईयर में है, चाहे करेंट ईयर में है, चाहे नेक्स्ट ईयर में है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर में सारी रिसिप्ट को दिखाएंगे, क्लियर है। उसी तरीके से इधर क्या दिखाएंगे, बाई ऑल कैश पेमेंट, हम लोग सारे पेमेंट्स को दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, वेदर दे आर रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर एंड वेदर दे आर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो सारे इनकम को हम लोग, पेमेंट्स को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे और जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको लिखेंगे बाई बैलेंस सी बाय डी। अगर यही कमी इसके अंदर आ गई, इधर आ गई, तो इधर दिखा देंगे बैलेंस सी बाय डी, ओके। तो ये हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, नोट कर लीजिए। Prepare receipts and payment account for the year ended 31st March 2019. क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। तो 31st मार्च 2019 यहाँ पर अगर दे दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ कि ये बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल 2018 से 19 होगा, ये होगा ना, क्योंकि 31 मार्च 2019 जो है ये क्या है, हमारा क्लोजिंग डेट है। तो ओपनिंग डेट क्या होगा, अप्रैल 1, 2018, तो अप्रैल टू 19 ये हमारा क्या है, ओपनिंग डेट, ये हमारा करेंट ईयर है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, डोनेशन रिसीव्ड रुपीज 10,000, सब्सक्रिप्शन 2017-18 5,000, 2018-19 50,000 एंड 2019-20 2,000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रुपीज 5,000, परचेज ऑफ न्यू बुक्स रुपीज 1,000,
परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 200, इलेक्ट्रिसिटी बिल 100, बहुत कम हो जाएगा ना, 300 कर सकते, ठीक है। चलिए बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ₹75,000। ओके, ये हमने क्या किया, ये हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इतना ही क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 2019, ठीक है। क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करना है हम लोग को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, बैलेंस भी बैठे। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर में कहीं भी बैलेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ये ओपनिंग बैल डेट है हमारा और ओपनिंग डेट को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू बैलेंस बी बाय डी 75,000 हमने लिख दिया। अब हम लोग जितने भी रिसिप्ट हैं उसको डेबिट में और जितने पेमेंट्स हैं उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि रिसिप्ट है या पेमेंट है। एक बात बताओ, डोनेशन रिसीव्ड ये क्या है, ये रिसिप्ट है क्योंकि लिखा ही हुआ है रिसिप्ट, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा देंगे। सब्सक्रिप्शन क्या होता, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, जिसको मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं अपने मेंबरशिप बनाए रखने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा रिसिप्ट, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अगर फर्नीचर को बेचेंगे तो पैसे आएंगे या फिर जाएंगे, यानी ये भी रिसिप्ट। परचेज ऑफ न्यू बुक्स, नए किताबें खरीदे गए, ये किताबें खरीदने से पैसे आएंगे कि जाएंगे, जाएंगे तो ये पेमेंट्स होगी। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेल का सामान स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा गया, इससे पैसे आएंगे या जाएंगे, यानी पेमेंट्स हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये खर्च हो गया ना हमारे बिजनेस का, प्रिंट करवाएंगे, स्टेशनरी जो है आइटम खरीदेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी खर्च हो गया, पेमेंट्स है और बैलेंस में बैठे तो लिया गया। चलो तो हम लोग रिसिप्ट वाले को पहले दे देते हैं। तो रिसिप्ट हमारा कितना है, 1, 2, 3। अच्छा, मैंने अभी बताया कि ये मैटर नहीं करता कि वो आपका रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, सारे रिसिप्ट को दिखाएंगे। तो डोनेशन है, डोनेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सारे आ जाते हैं, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, हम क्या देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का भी है, करेंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इसमें सबको दिखाना है। तो हम लोग दिखा देंगे 2017 to 18, 5,000, 18 to 19, 50,000 और 2019 to 20, 2000।
यानी कि 57,000। क्लियर है? चलो ये भी हो गया हमारा। अब है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये भी रिसीप्ट से। देखो ये क्या हो गया हमारा, कैपिटल नेचर का है, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें सबको दिखाना होता है। ओल्ड फर्नीचर कितना हो गया हमारा, 5,000। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सॉरी यहाँ तक हो गया ना सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, परचेज ऑफ न्यू बुक्स, तो लिखेंगे बाय परचेज ऑफ बुक्स, कितने का हो गया भाई, 1,000। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितने का हो गया, 500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने का हो गया, 200। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, कितने का हो गया, 300। और कुछ बचा क्या? अब हम दोनों साइड बैलेंसिंग करेंगे। चलो फटाफट जोड़ के बताओ कि तो हमारा क्या हुआ, हमने डेबिट साइड जोड़ा, कितना आया हमारा, 1,47,000। तो जो ज़्यादा है उसे हम लोग दोनों साइड लिखेंगे, इधर भी लिख देंगे 1,47,000 और इधर भी हम लोग लिख देंगे 1,47,000। ओके, अब इधर टोटल करने पे तो आ रहा है 1,47,000, लेकिन क्या इधर आ रहा है, नहीं, इधर कम है ना, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सी बाय डी, कितना हो जाएगा, 1,45,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहले से 75,000 था, हमारे पास और कुछ इनकम आए और टोटल खर्च करने के बाद हमारे पास बैलेंस सी बाई डी 1,45,000 बच गया, जो कि नेक्स्ट ईयर का हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो इसको हम लोग बैलेंस बी बाई डी में दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिटेल्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऐसा नहीं है जैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर में है कि सब कुछ को लिख दिए। उसमें हमें सिर्फ वही इनकम और एक्सपेंस को लिखना होता है जो हमारे करेंट ईयर का हो और रेवेन्यू नेचर का हो, और उसके अंदर कुछ स्पेशल आइटम्स भी होते हैं जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस एंड एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट, तो उसके बारे में भी हम लोग उसकी कैलकुलेशन